नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंजी न्यूज में। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 16 फरवरी 2023 को गुरुवार है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। वृषभ राशि, घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेंगी, इसलिए अपने परिवार के साथ रहें और खुशियां बांटें। आपको जीवन में निराशा से दो दो हाथ करने का नया तरीका निकालना होगा जो आपके भीतर कई कारणों से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। मिथुन राशि, अचलते हुए सावधान रहें। हालांकि खरोचे आ सकती है, ना चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त होगा। सिनेमा या किसी और मनोरंजक क्रियाकलाप में समय बीत सकता है। कर्क राशि, आज आप में कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करने का आपका बिल्कुल सही समय है। आप अपने पुराने कर्ज और एहसानों से भी मुक्ति पाएंगे। आप अपने शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की जरूरत के समय मदद कर सकते हैं। सिंह राशि, आज अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें। आज स्वास्थ्य संबंधित किसी समस्या की आशंका बन सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से बचें। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो उस पर अधिक ध्यान दें। वित्तीय दृष्टि से ना फायदा ना नुकसान वाली स्थिति रहेगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश ना करना ही ठीक रहेगा। कन्या राशि, आज अपने सिद्धांतों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन का दिन है। आज पिछले फैसले के लिए खुद से और अपने साथी से भी सवाल कर सकते हैं। फिर भी आप अपने उस काम के प्रति सचेत रहेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे। जब पुराने विचारों से कोई काम बनता दिखाई ना दे तो उस पर मेहनत करने की कोशिश करें, जरूर सफलता मिलेगी। तुला राशि, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से आप बहुत अच्छे स्थिति में हैं और फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो परेशानी पैदा करने वाला दिखता हो, लेकिन आज ऐसी बाधाएं और परेशानियां पैदा हो सकती हैं जो आपके जीवन में परेशानियां लाएंगी। अप्रत्याशित समस्याओं से काम कुछ समय के लिए रुक सकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन मौज मस्ती के नाम का रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। धनु राशि, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है बल्कि मन और आत्मा का मिलन है जिसे आप खासे प्रभावित होंगे। इस बारे में अच्छे से सोच ले क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। मकर राशि, आप व्यवसायिक या निजी कारणों से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपके लिए यात्रा करना मुश्किल होगा लेकिन आप कर पाएंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। जो लोग पहले आपकी उदारता को नहीं समझते थे अब उन्हें भी इसकी कीमत समझ आएगी। कुंभ राशि, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपने जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें। आज जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित करें। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी बिल्कुल ना लें। मीन राशि, इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफी दबाव होगा लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए बहुत ऊंचे मानकों के कारण है।
ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 16 फरवरी को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। आइए जानेंगे कैसा होगा आपका दिन। अंक 1, आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है और आज आप जो भी चाहेंगे बिना अधिक परिश्रम के आपको मिल जाएगा। मित्रों और परिवार से संबंधित भावनाएं आपको थोड़ा चिंतित कर सकती हैं। आपका शुभ अंक है 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 2, आप लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहे हैं जिसके कारण अभी तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों का ध्यान या विश्लेषण करने के लिए सही समय है। कुछ सुकून का एहसास कर सकते हैं आप। शुभ अंक है 19, शुभ रंग बैंगनी। अंक 3, आज आपको आपका काम सुखद लगेगा। आप कोशिश कम करेंगे किंतु आपका परिणाम अच्छा मिलेगा। आपके मित्र और प्रियजन आपको अच्छी सलाह देते हैं। अपने ध्यान को केंद्रित रखें और प्रयास करते रहें। शुभ अंक है 21, शुभ रंग लाल। आप लोगों से मिलने जुलने की मूड में हैं और एक नए कलेक्शन भी बनाने के लिए तैयार हैं। ग्रुप या क्लब का हिस्सा बनने का मजा लें। आपका आकर्षण इस समय चरम स्तर पर है। शुभ अंक है 11, शुभ रंग भूरा। अंक 5, आपके माता पिता या भाई बहन को आपके ध्यान या कंफर्ट की आवश्यकता हो सकती है। आपको जानने वाले लोग आपके सकारात्मक नजरिए की हमेशा प्रशंसा करते हैं। शुभ अंक है 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 6, प्रतिष्ठा में बदलाव अभी आपके किस्मत में है। आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और जल्द ही कोई इनाम भी मिलेगा। घर की समस्याएं आपसे आपका समय चाहती है, विवादों को हल करें। शुभ अंक है 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 7, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए परिवार और बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आप जीवन को सहजता से लेंगे। शुभ अंक है 29, शुभ रंग सफेद। अंक 8, यात्रा के लिए यह समय उत्तम है। आप आध्यात्मिक मामलों में दिलचस्पी ले रहे हैं और उच्च शक्तियों या शिक्षा पाने के इच्छुक हैं। किसी सलाहकार या शिक्षक के सलाह ले अपने धन पर नजर रखें। शुभ अंक है 26, शुभ रंग नीला। अंक 9, आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर घर के मामलों को हल करें। निजी और व्यवसायिक जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखें। अपने लिए भी समय निकालें, कड़ी मेहनत करें और असंतुलन से बचें। शुभ अंक है 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 फरवरी 2023 गुरुवार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। जानेंगे सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय होगा सुबह 7:02 पर, सूर्यास्त शाम 6:19 पर। चंद्रोदय होगा 16 फरवरी रात 3:16 पर। चंद्रास्त 16 फरवरी दोपहर 1:59 तक। जानेंगे हम तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी। 16 फरवरी सुबह 5:33 से 17 फरवरी रात 2:49 तक कृष्ण पक्ष द्वादशी। 17 फरवरी रात 2:49 से 17 फरवरी रात 11:36 तक नक्षत्र मूल। 16 फरवरी रात 12:46 से 16 फरवरी रात 10:52 तक पूर्वाषाढ़ा। 16 फरवरी रात 10:53 से 17 फरवरी रात 8:28 तक करण बौ। 16 फरवरी सुबह 5:33 से 16 फरवरी शाम 4:15 तक बालव। 16 फरवरी शाम 5:15 से 17 फरवरी रात 2:59 तक कौलव होगा। 17 फरवरी रात 2:49 से 17 फरवरी दोपहर 1:16 तक। जानेंगे हम योग हर्षण। 15 फरवरी सुबह 10 से 16 फरवरी सुबह 7:03 तक वज्र। 16 फरवरी सुबह 7:03 से 17 फरवरी रात 3:35 तक सिद्धि। 17 फरवरी रात 3:35 से 17 फरवरी रात 11:44 तक
हम जानेंगे आगे अशुभ काल राहु दोपहर 2:05 से दोपहर 3:30 तक, यमगण सुबह 7:02 से सुबह 8:27 तक, कुलिक सुबह 9:51 से सुबह 11:16 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 10:48 से सुबह 11:33 तक, वज्रयम सुबह 7:31 से सुबह 8:57 तक। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:03 तक, अमृत काल शाम 5:03 से शाम 6:32 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंजन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।